एक चीज और इसी में मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली हाफिज सईद साहब को अरेस्ट किया और उसके बाद सजा भी सुना दी है। आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं या ये एक बस एफएटीएफ के लिए आपको कोई ड्रामा लग रहा है? सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। दुनिया में जहां भी टेररिज्म होती है उसको हम कंडेम करते हैं, और जो भी कर रहा है चाहे वो जिस जगह से भी बिलोंग करता हो, जिस रिलीजन से भी हो, जो कुछ भी हो, वो सब बिल्कुल गलत है और नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों की, जिन मासूम लोगों की और बेगुनाह लोगों की जान इसमें गई और दूसरे बहुत से इस तरह के अटैक्स होते रहे हैं पिछले सालों में, उसके लिए जो है मुझे बहुत सख्त अफसोस है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो है एक दूसरे से सीखकर कुछ आगे बढ़ सकेंगे और इस चीज को रोक सकेंगे। जी शुक्रिया, बहुत थैंक यू। एक चीज और इसी में मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली हाफिज सईद साहब को अरेस्ट किया और उसके बाद सजा भी सुना दी है। आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं या ये एक बस एफएटीएफ के लिए आपको कोई ड्रामा लग रहा है? पहली बात तो अरजू साहब नहीं है, वो तो इज अ क्रिमिनल, इज अ टेररिस्ट, ही शुड बी किल्ड। सॉरी सॉरी सॉरी, तो मैं वापस लेती हूँ अपनी वॉइस। मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट ये देखिए, मैं दो चीजें बताता हूँ आपको कि पहली बात तो मुझे इनको जो जेल में डाला गया है ना, वो 26/11 के केस में नहीं डाला गया है। इनको जो जेल में डाला है वो डाला है पाकिस्तानी कोर्ट्स ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, फाइनेंशियल टेररिज्म इन द सेंस की सपोर्ट करने के लिए, ये सब टेररिज्म को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। अब ये भी देखने की बात है, और जो जजमेंट है वो मैंने तो पढ़ी नहीं पूरी, थोड़े जो एक्सेप्ट मीडिया में आए थे मैंने वही देखे, तो ये बड़ी उड़ी उड़ी सी बात करी है। और मुझे लगता है कि इसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी सस्पेक्ट है। टाइमिंग इसलिए आरजू जी सस्पेक्ट है क्योंकि पाकिस्तान पूरी उम्मीद से था कि इस बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल जाएगा और बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, वो सब हुआ नहीं। तो ये पाकिस्तान को झटका लगा। मैं पाकिस्तानी मीडिया बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ और लगभग सभी एंकर कह रहे थे कि बस अब तो हो गया, अब तो हो गया। कोई ये नहीं कह रहा था कि कितने पॉइंट्स हैं, हमने कितने पॉइंट्स में से कितने अपने टारगेट्स मीट करे, कितने हमसे चूक गए, इसलिए हम लोग रह गए। पहले तो उसके पहले तो जब एफएटीएफ की मीटिंग बैठी थी उसके पहले सब लोग ये कह रहे थे कि साहब चीन हमारे साथ है और तुर्की हमारे साथ है और ईरान हमारे साथ है और मलेशिया हमारे साथ है, ये सब बातें हो रही थी। और फिर बाद में जब पाकिस्तान उसमें रह गया ग्रे लिस्ट में, और तो फिर उसके बाद फिर ये साजिशों का सिलसिला शुरू हुआ। खैर, एक तो ये चीज है, दूसरी चीज ये है कि अगर हाफिज सईद को टेरर फाइनेंसिंग के लिए 10 साल की सजा मिली है तो फिर ये भी पब्लिक होना चाहिए जजमेंट में कि किससे पैसा लिया हाफिज सईद ने और किसको पैसा दिया हाफिज सईद ने, और वो टेररिज्म जो थी किसने दिया, किसने लिया, वो टेररिज्म किसको बोल रहे हैं। क्योंकि हाफिज सईद तो ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान के अंदर कुछ करता हूँ, ये तो हाफिज सईद नहीं कहता। हाफिज सईद को खुला ये कहता है कि मैं इंडिया के अंदर करता हूँ, वो खुद मतलब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हाफिज सईद ने जो लश्करे तैयबा बनाई थी और जो जमात उल दावा है या फलायत इंसानियन फाउंडेशन है जो कि एक एनजीओ का जामा पहन के उसके नीचे ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज और दहशत गर्दी या आतंकवाद करती है। तो अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं, पाकिस्तानी कोर्ट से कहती हैं आरजू जी की उसको हमने डाला है जेल में फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तो उसने कौन सा टेरर फाइनेंस करा, उसको फाइनेंस कहाँ से मिला और उसने किसको पैसे दिए, और जो टेररिज्म थी हाफिज सईद ने कहाँ पे करी, कम से कम ये तो क्लियर हो उसने कहाँ पे करी। क्योंकि हाफिज सईद खुद कहता है कि पाकिस्तान के अंदर मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने जो भी करा है बाहर, कहाँ पे करी उसने, ईरान में करी, यूरोप में करी, इंडिया में करी, कहाँ पे करी, कुछ पता तो लगे। एक चीज मेजर साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि इन ये जो हाफिज सईद या इस तरह के लोग होते हैं, इनको एक मजहब के नाम पे बहुत ज्यादा डोनेशन मिलता है। आप सोच नहीं सकते जो लोग यहाँ पे देते हैं, हर तरह के, जो बड़े बड़े, ये नहीं कि आम लोग तो देते ही हैं जिसकी जो हैसियत होती है, लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इन्हें बहुत पैसे देते हैं सालाना, इनको करोड़ों के उसमें मिलते हैं। सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं है, इस तरह के जितने भी
ये रिलीजियस सो कॉल्ड स्कॉलर्स या ये मुल्ला या ये जिहाद के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, मजहब के नाम पे ये बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, और इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप किसी से ये कह दें कि जी हम जिहाद कर रहे हैं, तो ये पैसा इनको यहाँ से भी मिलता है। लेकिन अब उसमें ये नहीं पता कि लोग हो सकते हैं अच्छी नीयत से देते हों, लेकिन ये उसका मिसयूज करते हैं, तो उस चीज को भी मेरे ख्याल है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और एक चीज और है कि इंडिया के खिलाफ भी जो है एक DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रिसेंटली, आपने देखा होगा, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, बहुत से एलिगेशन लगाए हैं उन्होंने, और बल्कि अब तो वो यूनाइटेड नेशन में भी लेके शायद जा चुके हैं या जा रहे, मेरे ख्याल पहुंच गए। किस तरह देखते हैं आप इस चीज को? दो चीजें हैं। पहली बात तो आपने देखा ना कि जिहाद का कोई अच्छा पहलू नहीं होता। मैं आपके पहले कमेंट्स का आंसर दे दूं, उसका बुरा ही पहलू है, उसका कोई अच्छा, ये आप कह सकते हैं कि जिहाद नफ्सियात से होती है और ये सब ये लंबी चौड़ी बातें हैं। असली बात जो दुनिया समझती है जिहाद का मतलब, देखिए किसी पाक किताब में क्या लिखा है वो तो, अगर किसी नॉन मुस्लिम में कुरान शरीफ में क्या लिखा है वो नहीं पढ़ी तो उसने नहीं पढ़ी, ठीक है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी पाक किताब नहीं है। लेकिन वो जो है वो ये देखता है कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो जमीन पे क्या करते हैं। मुझे इससे एज अ हिंदू, आई एम अ हिंदू, अब मुझे इससे क्या लेना देना कि कहां पे किस पन्ने में, किस सफे में, किस चैप्टर में, किस वर्स में क्या लिखा है। मैं तो ये देखूंगा कि जो उस किताब के नाम पे अगर गलत कुछ कर रहा है तो वो कर क्या रहा है, मुझे क्या उससे फर्क पड़ रहा है उसके एक्शन से। तो एक तो हाफिज सईद को वो देखना चाहिए, हाफिज सईद या कोई भी ये आपके जैश मोहम्मद का है ये मौलाना मसूद अजहर, और भी हैं सैयद सलाउद्दीन है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ अर्जुन जी कि ये जो पूरी बात है ना कि उसको लोग डोनेशन देते हैं, जरूर देते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, आम लोग डोनेशन देते होंगे, मैंने भी वीडियोस देखे हैं कि वो मस्जिदों के बाहर वो बॉक्स, डोनेशन बॉक्स है, लोग पैसा दे रहे हैं, और ये बोला है कि 10 रुपए दो तो 10 रुपए की गोली आएगी जिससे काफिर, ये बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले ऐसा होता था, अब तो गोलियां भी महंगी हो गई हैं, तो अब इतना लोग पैसे देते हैं, सब कुछ देते हैं। बट मेरा सवाल सिर्फ ये है कि चलिए मैं कहता हूं कि आम पाकिस्तानी ने मजहब के नाम पे हाफिज सईद को डोनेशन दिया, पर जो लोग ये कहते हैं कि हाफिज सईद ने पैसा लेके दहशतगर्दी करी है, वो कहां करी, कहां करी? कुछ पैसा लेना अपने आप में जुर्म नहीं है, पर उस पैसे की जो उसने दहशतगर्दी, और पाकिस्तानी आवाम को एक मिनट के लिए आप कोने में रख दीजिए, ठीक है, आप कह रही हैं वो बेगुनाह है, मैं मान लेते हूं वो बेगुनाह, हम उस पर बहस ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि सवाल सिर्फ ये है कि हाफिज सईद और लश्कर तैयबा ने दहशतगर्दी कहां करी उस पैसे को लेकर, ये तो पता लगे ना कि कहां करी। और दूसरी चीज ये है कि अगर दहशतगर्दी हुई है और पाकिस्तान ने उसको जेल में डाला है तो ठीक है, जिसने 10-15 रुपए दिए जी हैं, जो 20-25-50-100 रुपए दिए हैं, जो आम पाकिस्तानी है, आप सबको तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन अगर किसी बिजनेस, बड़े बिजनेस हाउस ने, जैसा आपने बोला पाकिस्तानी कॉर्पोरेट हाउस ने, लाखों करोड़ों में अगर चंदा दिए तो कम से कम उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी जो आपने बात करी थी ना, DGISPR और शाह महमूद कुरैशी भी थे वहां पे, मैंने वो पूरी आरजू जी वो कॉन्फ्रेंस देखी और मुझे उस कॉन्फ्रेंस में कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि इंडिया में कुछ 60 टेररिस्ट कैंप्स हैं, इंडिया में दहशतगर्दी आतंकवादी कैंप्स हैं 60। मेरा सवाल है 65 क्यों नहीं है, 55 क्यों नहीं है, 50 क्यों नहीं है? उनकी कोई लोकेशन नहीं दी। उन्होंने बोला हरियाणा में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, और यहाँ पे भी हैं, वहां पे भी हैं, उन्होंने 5 स्टेट। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, ठीक है ना, और मैं बोलता हूं पाकिस्तान में 5,000 टेररिस्ट कैंप्स हैं, कराची में 1,000 है, लाहौर में 1,000, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। जब इंडिया ने पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स का पता दिया था, हमने प्रॉपर आरजू जी ग्रिड रेफरेंस दी थी, लैटिट्यूड ये है, लॉन्गिट्यूड ये है, इस ग्रुप का है, यहां पे है, ये इसकी करेक्ट लोकेशन है, और लास्ट नोन यहां पे 25 लोग थे या 20 लोग थे। जब आप इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो मैं आपको ये बोलूं कि आरजू जी ये तो यही बात हो गई ना कि अगर मैं थोड़ा हंसी मजाक के उसमें बोलूं कि मैं बोलूं कि आरजू जी आप हमारे घर पे आइएगा, दावत है, ठीक है, किस तारीख को दावत है मैंने आपको नहीं बताया, मेरा घर कहां पे मैंने आपको नहीं बताया, आप घर परिवार के साथ आ सकती हैं कि आपको अकेले आना है दावत पे, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने उड़ी उड़ी बात आपको कर दी, राइट। वो पूरी चीज ऐसी है, और कोई भी उसमें 2-3 और भी चीजें हैं जो मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं अर्जुन जी की, जैसे ISI है, ISI एक फौजियों की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर सर्विसेज कहते हैं उसको, इंटर सर्विसेज है नहीं, है तो बेसिकली आर्मी की, क्योंकि डीजी उसके, बहरहाल हमेशा डीजी ISI तो हर समय एक पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल रहे हैं, नेवी और एयरफोर्स का तो मैंने कोई देखा नहीं,
नेवी का कोई एडमिरल हो या एयरफोर्स का कोई बहुत सीनियर कोई रैंक का ऑफिसर हो, ये तो मैंने कभी देखा नहीं। मैंने तो पिछले 5, 7, 10 जो भी आपके हुए हैं, मुझे नहीं पता शुरू से क्या हिस्ट्री है, लेकिन मैंने तो आर्मी देखी है। एक तो ये चीज है, दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान जब भी उन्होंने नाम लिया, जनरल ये कोई कर्नल राजेश है जो अफगानिस्तान में टीटीपी और इन सबको मिला रहा है और ये कर रहा है, सो कॉल्ड उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। अर्जुन जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है ना कि आपको जो इंडियन एजेंसीज हैं वो सारी सिविलियन हैं, छोड़ के मिलिट्री इंटेलिजेंस, उन्होंने रॉ की बात करी, रॉ एक सिविलियन एजेंसी है। अब हमारे यहां जो पावर है इंडिया में वो फौज के पास नहीं है, तो जब भी पाकिस्तानी ये सब लोग एजेंसी झूठ भी बोले ना, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि आपने बोला कि कर्नल, एक एक कर्नल है, आप ये समझ लीजिए उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और 5-10 अलग पाकिस्तानी एजेंसीज को वो एक साथ मिला के उनका कंसोर्शियम बना रहा है, जैसे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी। एक कर्नल, अभी तो मेरे कोस्टमेट भी ब्रिगेडियर बन गए, मैं इतना बुढ़ा हो, चलो मेरे कोस्टमेट ब्रिगेडियर बन गए, तो अभी क्या कर्नल को ये पता नहीं? और इट्स अ सिविलियन एजेंसी, आपने बोला वो जनरल वो कर रहा है, ये जनरल वो कर रहा है, नहीं है ऐसा इंडिया में, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान में इंडिया कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, इंडिया के कुछ वो नहीं होंगे, लेकिन ये जो हर चीज में फौजियों का नाम लेना ना इंडिया का, कि एक फौजी है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में फौजी है ही नहीं। इट्स अ सिविलियन एजेंसी, राइट? इंटेलिजेंस ब्यूरो, इट्स अ सिविलियन एजेंसी, इनके हेड आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस इज इंडियन पुलिस सर्विस, ये पुलिस की एजेंसीज हैं, ये हमारी जो एक्सटर्नल है और इंटरनल भी है इंटेलिजेंस ब्यूरो। हाँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस में ऑब्वियसली, क्योंकि इट्स कॉल्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस, उसके ऑब्वियसली उसमें मिलिट्री वाले होंगे, लेकिन एमआईबी का रोल बिल्कुल अलग है। तो मैं तो इस डॉजियर को सीरियसली इसलिए भी नहीं लेता अर्जु जी, क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने कैसे करा है, क्योंकि प्रूफ उन्होंने कहीं नहीं दी, उन्होंने इल्जाम बड़े लगाए हैं और पाकिस्तानी मीडिया ने भी वो इल्जाम खूब स्वॉलो कर लिए, बट उसमें डिटेल नहीं है। अगर आप इसको कहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर आएंगे ना, वो पहले दिन जो 2 साल की नौकरी वाला भी वकील होगा ना, 2 साल की नौकरी जिसकी होगी, वो उठा के बाहर फेंक देगा, वो बोलेगा बॉस इसमें डिटेल्स है ही नहीं कुछ, लेकिन वो लेकर गए हैं। बिल्कुल उनका हक है, बिल्कुल आरजू जी, वो लेकर गए हैं, मुझे इसका इल्म है और मैं चाहता हूँ वो लेकर जाएं, वो सिर्फ यूएन में लेकर ना जाएं, वो लेकर हर एक, जो मैं तो कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में जितने भी आपके एम्बेसीज हैं सबका एक बहुत बड़ा फंक्शन करें, ग्लोबल मीडिया को, अल जजीरा को, बीबीसी को, सीएनएन को, सबको बुलाएं और सबके सामने डॉजियर उनको देना। आप सिर्फ यूएन तक क्यों महदूद हैं? आप सिर्फ क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ यूएन को देने? इस्लामाबाद में तो करीब 150 कंट्रीज के एम्बेसीज होंगे मेरे हिसाब से, अब सबको बुलाएं ना, आप सबको बुलाएं और सबको दें कि ये देखिए ये भारत ने, भारत का ये किरदार है, भारत की ये करतूतें हैं, आप सबके सामने एक्सपोज करें इंडिया। मैं तो कह रहा हूँ, मैं पहले भी 10 बार ये नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है झूठ बोल रहे हैं, राइट? आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी अर्जुन जी? बिल्कुल देखी ना। आप उसमें ये बताइए कि इन्होंने कुछ डिटेल्स क्यों नहीं दी? जैसे हमने जब 26/11 जब हमने 26/11 की डिटेल्स दी थी अर्जु जी, हमने रिकॉर्डिंग दिखाई थी, हमने परवेज मुशर्रफ की आवाज सुनाई थी, आपका जनरल अजीज था कोई, इफ आई रिमेम्बर द नेम, हमने उनकी आवाज सुनाई थी और हमने बोला था कि ये जो आवाज है ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, आप इनकी भी, आई थिंक उस समय वो चाइना में थे कहीं थे, और हमने ये भी बोला था कि आप दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी से चेक करवा लीजिए कि परवेज मुशर्रफ की आवाज है कि नहीं। हमने सब, हमने विद प्रूफ दिया था, बट इन्होंने कुछ नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ बोला कि हरियाणा में भी है यहाँ पे, ये तो थैंक गॉड इन्होंने तमिलनाडु और केरला का नाम नहीं लिया, कह सकते थे प्रूफ। लेकिन अब हो सकते हैं आगे फिर उसके ऊपर मजीद डिटेल्स दें, जब यूनाइटेड नेशन में गए हैं तो ऐसे ये इनकम्प्लीट चीजें लेकर तो नहीं जा सकते, इतनी अकल तो इनमें होनी चाहिए कि ये इस तरह से जब तक प्रूफ कम्प्लीट ना हो ये ना जाए। लेकिन ये गए हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ है इनके पास। लेकिन साथ ही एक अभी रिसेंटली एक टेरर अटैक हुआ था, मेजर साहब आपकी बात के साथ ही मैं उसको भी जोड़ लूँ, उसमें भी कहा गया कि जी मेडिसिन निकली है जो कराची की बनी हुई थी इस तरह का, तो आपको लगता है कि आईएसआई को या हमारी एजेंसीज इतनी कमजोर है कि वो जेब में ऐसी चीज डाल के भेजेंगी जो वहां पे पकड़ी जाए और एड्रेस पता लग जाए?
इस तरह से क्यों होगा? कि ऐसा नहीं लग रहा कि क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे बचने के लिए आप लोगों ने ये सब कुछ खुद किया है, ये एक इम्प्रेशन है यहाँ पे। देखिए दो चीजें, आपने बोला ना कि हमारी एजेंसी इतनी बेवकूफ नहीं है पहले भी, और अगर जाएंगी तो कुछ तो लेकर जाएंगी, हो सकता है कि लेकर जाएं। तो वो पुरानी कहावत है, हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं पुरानी एक कहावत है कि अगर चाची की मूछें होती तो वो भी चाचा कहलाती है ना। तो होता किसको क्या पता है, क्या इनके पास अगर कुछ है तो देखेंगे फिर। आरजू जी पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने ये बोला कि कि वहां पे कराची की मेडिसिन लेकर आए, किसको क्या पता कहाँ की मेडिसिन क्या लेकर आई थी वो लेकर आए। अब उनको अगर पाकिस्तान से आए तो सिंगापुर की मेडिसिन तो लेकर आएंगे नहीं, वो दवाइयां लेकर आते हैं लोग, ड्राई फ्रूट लेकर आते हैं, ये बात सच है। क्योंकि अगर उनको लॉन्ग पीरियड के लिए अगर कहीं पे जाना है या रहना है तो ड्राई फ्रूट्स लेकर आएंगे। अब पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की मार्किंग वाले ही मिलेंगे, अब कोई कोई कैलिफोर्निया आमंड तो लेकर नहीं आएंगे ना अमेरिका के छाप के। नहीं एक लेकिन चीज लेकिन थी। लेकिन मेजर साहब, एक सेकंड, लेकिन मेजर साहब, एज अ सिंपल सिटीजन, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं भी कोई इस तरह की हरकत करूं तो मैं उसको वही की मेडिसिन तो नहीं दूंगी कि भाई अगर तुम मारे जाओ या पकड़े जाओ तो तुम्हारी जेब से ये निकल है। ऐसा तो ऐसा तो इसीलिए मेरा कहना है, जब एक सिंपल सिटीजन ये सोच रहा है तो एजेंसी क्यों नहीं सोचेंगी? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको पूछना चाहिए कि आपको आपको ये थोड़ा सा जो वहां पे आर्मी है या ऐसा ही, उनसे पूछना चाहिए कि छोटी छोटी गलतियां मत करिए, नहीं पकड़े जाएंगे। और यू सी ये सब उनको नहीं करना चाहिए, ये कि ये पिटिशन दे दें, फिर पकड़े भी गए उसके बाद, और दो अरेस्ट भी हो गए, जिंदा भी अरेस्ट हो गए दो बाद में, और चार मारे गए जैश के। तो ये न, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये केयरलेसनेस है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी एजेंसीज एंड ISI, ये नहीं करना चाहिए उनको। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने बोला ना कि जो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, कि मैं एक और थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। मतलब मेरा काम नहीं है एडवाइस करना, क्योंकि आपकी आप लोग तो कहते हैं कि ISI वर्ल्ड की नंबर वन एजेंसी है, और आप कहते हैं कि सब कोई बहुत इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं एजेंसी। तो मैं उनको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि इंडिया के खिलाफ कोट अनकोट अगर आप कोई प्रूफ दें, तो आरजू जी सबसे बढ़िया पता है क्या रहेगा इनको, कि प्रूफ के चलते ना ये अगर इंडिया के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो भगवान के लिए हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वहां पे फौजी अफसर को मत ले जाओ। पता है ये फौजी अफसर को ले जाके ना खाकी में वो खड़ा हो जाता है आपका जर्नल, सारा गेम बदल जाता है, सारा गेम खराब हो जाता है। ये कभी नहीं करना चाहिए, ये पाकिस्तानी हर समय गलती करते हैं। अच्छा आपकी फौज ये सिविलियंस को ट्रस्ट तो करती नहीं, उनको लगता है कि ये सब ये पता नहीं वहां पे जाके क्या बोलेंगे। तो एक जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, टीचर नहीं होता तो मॉनिटर को कहता है सब लोग चुप रहेंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे सर नीचे करके, तुम देखना, तो मॉनिटर वो टीचर बन जाता है। तो ये बाबर इफ्तिकार साहब जो है मेजर जनरल DGISPR, वो मॉनिटर बन के गए। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए एक आपके और थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, ये पाकिस्तान के मिनिस्टर थे, तो अर्नब गोस्वामी ने उनका इंटरव्यू लिया था दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में। और जब अर्नब गोस्वामी ने अपने स्टाइल से, अर्नब का एक खास स्टाइल है कि चावी लगाता है ऐसे पूछता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चनिंग करता है अर्नब। तो अर्नब ने करा, वहां पे चार बंदे आ गए, वो ऑन रिकॉर्ड है, मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके देखिए उसमें। और वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं, इंटरव्यू वहां पे खत्म होता है, चार ISI वाले आए, उन्होंने बंद कर दिया अपने फॉरेन मिनिस्टर को। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मतलब फॉरेन मिनिस्टर वुड बी नंबर टू और नंबर थ्री इन द कैबिनेट, उस जमाने में जो भी रहा होगा प्राइम मिनिस्टर आपका, उसका नंबर टू या नंबर थ्री होगा कैबिनेट में, ये चार ISI के अफसर कैसे आ सकते हैं? ये मतलब एज एन इंडियन मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई कोई मंत्री वहां पे बैठा हो, वजीर बैठा हो, उसके सामने कोई आके बोले कि नहीं आप इंटरव्यू हम रोक रहे हैं आपको। पर वो जो आपका मिनिस्टर था, मैं भूल रहा हूं उसका, अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू है, और वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, बिल्कुल जैसे ना गऊ की तरह जिसको कहते हैं, चुप, बिल्कुल शरीफ। और वहां पे लोग कह रहे हैं नहीं आप हटाइए, आप नहीं कर सकते, आप जाएं यहां से, ये सब। और अर्नब को उन्होंने इंटरव्यू नहीं करने दिया, और अर्नब ने बोला कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग टू योर फॉरेन मिनिस्टर। मैं ये कह रहा हूं कि ये वही चीज हमें यहां पे देखने को मिली। तो आपको आपके जब तक पाकिस्तान अपने सिविलियन इदारों को इतना मजबूत नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तानी आर्मी अपने सिविलियंस को ट्रस्ट नहीं करेगी, देखिए जरूर ये जरूर है कि मुल्क की दिफा फौजी करता है, ये बात सही है, ठीक है, लेकिन मुल्क को फौजी चलाते नहीं है, मुल्क को तो सिविलियंस ही चलाते हैं। और इंडियन आर्मी के बारे में अगर मैं बोलूं, इंडियन आर्मी इज अंडर दिस थिंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, इट इज अंडर द डिफेंस मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर इज अंडर द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे एक मॉनिटर को भेजना, वर्दी पहन के जो मॉनिटर वहां पे खड़ा है, और बाबर इफ्तिकार साहब ये कह रहे हैं, और हर 2 मिनट में देख के हैं, DG साहब उनकी तरफ देख के कर रहे हैं,
अच्छा नहीं लगता। यू शाह महमूद कुरैशी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मतलब कोई ऐसे कोई छोटा आदमी नहीं, कोई हल्की हस्ती नहीं है वो, ही इज अ बिग मैन एंड ही शुड कंडक्ट हिमसेल्फ। हर समय फौजी आपके सर पर टंगा रहेगा और वो आपको बताएगा क्या करना है, इससे क्या होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। आप मुझे कंसल्टेंट रखें तो मैं बताऊंगा फिर पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती है। आप बढ़िया करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पे सबको बुलाएं। और ये जो प्रूफ है, मैं फिर कहता हूं आरजू जी, ये जो प्रूफ है, जो आप कोट अनकोट जो आपने इंडिया के खिलाफ जो प्रूफ है, ये आपको पूरे 150 जितने भी एम्बेसी, मुझे नहीं पता कितने, जितने भी एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में फॉरेन कंट्रीज के, आप सबको बुलाइए ना, सबको एम्बेसडर्स को बुलाइए और सबको दीजिए और उनको बोलिए कि आप अपने जरा इंडिया के आप देखें, अगर पोल खोल सकते हैं तो खोलें। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, पाकिस्तान को अगर उनके पास प्रूफ है ना, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसी तरह से जवाब नहीं देंगे जिस तरह से मतलब भारत हमें जिस जिस जगह पे काउंटर करता है, हमें भी करना होगा। लेकिन एक चीज और मेजर साहब, मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगी कि आप लोग जैसे अब देख रहे हैं FATF के तकरीबन में कहला 21 points जो है वो पाकिस्तान ने क्लियर कर लिए हैं, आपको लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है कि 27 या 26 में से अगर 21 में क्लियर कर लिया है तो कुछ तो काम हो रहा होगा? अगर हाफिज सईद को बंद किया है तो कुछ तो कर रहे होंगे, वरना पहले तो हमने नहीं देखा कि 10 साल की सजा हुई हो या इस तरह से। बेशक FATF का डर हो, जो जो बात भी आप कह रहे हैं, लेकिन है कुछ ना कुछ चेंज आया है, आपको लग रहा है? देखिए, FATF आपके लिए एंड ऑफ द रोड है। अगर FATF से पाकिस्तान अगर व्हाइट लिस्ट तो नहीं कहना चाहिए, व्हाइट लिस्ट इज द रॉन्ग टर्म टू यूज, बट मैं समझाने के लिए कह देता हूं, अगर ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान अगर आरजू जी व्हाइट में आ जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मकाम है। अगर वो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो इंडिया को लगेगा कि इंडिया के लिए एक विक्ट्री है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया की कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान अगर सो कॉल्ड व्हाइट लिस्ट में भी आ जाता है तो क्या जो पाकिस्तानी दहशतगर्दी करते हैं इंडिया में वो बंद हो जाएगी? नहीं होगी ना, वो तो करता रहेगा पाकिस्तान। दूसरी चीज, पाकिस्तान जो कर रहा है करे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत में दहशतगर्दी ना कराए, हमें भारत से, हम अमेरिका जैसे नहीं है कि आपने सूडान में क्या करा या आपने यहाँ पे क्या करा वहां पे क्या करा, आपको आपको जो जहां करना है भारत के बाहर आपको जो करना है आप करिए, आपकी खुशी है। वी आर नोबडी टू टेल यू एनीथिंग, वो दुनिया देख रही है, दुनिया देखेगी। भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है ग्लोबल पुलिसमैन बनने का, लेकिन भारत के अंदर हो रहा है तो भारत कहीं ना कहीं तो भारत बोलेगा इस चीज को। अगर भारत को ये लग रहा है, देखिए सबसे पहले पाकिस्तानियों को ये लगा और आम आदमी को भी लगा, मीडिया को भी लगा कि साहब ये हमारे खिलाफ साजिश है, क्योंकि पाकिस्तान में साजिश वाला चूर्ण बहुत बिकता है। दो मिनट में आप बोलिए साजिश है तो साजिश साजिश साजिश, सब लोग फिर इट्स इजी ना, फिर एक बार आपने कह दी साजिश है तो फिर आपको लोगों को जो हकायक है वो समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो साजिश है ना, हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है तो है, फिर आपको फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जैसा मैंने पहले बताया था अर्जु जी कि ये बोला गया कि सब यू नो इसमें ये होगा नहीं क्योंकि चीन हमारे साथ है और ये हमारे साथ है। ये जो पाकिस्तान पॉइंट्स पे तरक्की नहीं कर पाया, इतने सारे पॉइंट्स अचीव नहीं कर पाया पाकिस्तान, और जो 21 पॉइंट्स आप कह रही हैं पाकिस्तान ने अचीव करे हैं, वो तो सर्टिफिकेट FATF ने दिया होगा, वो तो इंडिया ने नहीं दिया या अमेरिका ने, वो तो FATF ने दिया। तो इसका मतलब ऑब्वियसली 21 पैरामीटर्स पर पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ काम करा होगा, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा पैरामीटर्स पर काम क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हर समय पाकिस्तान को ये लगा कि हम कुछ करें ना करें चीन तो बचा ही लेगा, तुर्की तो बचा ही लेगा, ईरान तो बचा ही लेगा। देखिए, पाकिस्तानियों को एक बात समझने की जरूरत है, धीरे धीरे बहुत स्लोली, और ये सब पैरामीटर्स मैं रीड कर देता हूं क्योंकि मेरा तो फुल टाइम काम यही है, चाइना धीरे धीरे, आपको एज अ पाकिस्तानी पता नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बट मुझे यकीन है कि चाइना धीरे धीरे कदम पीछे ले रहा है। देखिए, चाइना कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं, चाइना कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। ये सब डिप्लोमेट्स एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। बड़ा अच्छा दोस्त क्या है, ये कोई गांव की यारियां थोड़ा है, पिंड की यारियां चल रही हैं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तू मेरे लिए जान दे देगा, तू भाई है मेरा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। देखिए, आपने FATF की बात करी आरजू जी, मैं दो मिनट लेके समझाऊंगा। अगर एक मुल्क, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग होगी, दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। देखिए, आपने तो ये बोल दिया कि चाइना हमारा भाई है, आपने ये बोल दिया कि यू नो चाइना हमारी मदद करेगा, चाइना हमें पैसे देगा, चाइना हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट देगा, लेकिन हमें ये चीज देखनी है कि आपको एज अ पाकिस्तानी आपको ये चीज देखनी है, ठीक है? मैं यानी कि मेरा मतलब है, हमें मतलब कि आप और जो पाकिस्तानी उनको ये चीज देखनी है कि पाकिस्तान चाइना को क्या दे रहा है, आप चाइना के किस काम आ रहे हैं।
आप तुर्की के किस काम आ रहे हैं, आप ईरान के किस काम आ रहे हैं, आप मलेशिया के किस काम आ रहे हैं, जो आपके अभी नए भाई बने, ये नए सगे भाई बने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तानियों को ये तो क्लियर है कि हमें मलेशिया से क्या चाहिए, हमें तुर्की से क्या चाहिए, हमें ईरान से क्या चाहिए, हमें चीन से क्या चाहिए, चाहिए इसमें आप लोग बिल्कुल क्लियर है, आपके मन में एक रुपए का शक नहीं है। लेकिन आपको देना क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब रिश्ते लेन देन के होते हैं, ये रिश्ते ऐसे नहीं होते अर्जु जी कि यू नो कि आपने बस लेना ही लेना है, चीन से लेना ही लेना है, एक तरफा है, चीन इतने बिलियन डॉलर देगा, चीन ये करेगा, चीन हमारा बड़ा भाई है, चीन ये भाई है, वो छोटा भाई है, ऐसे यू नो स्वीटर देन हनी, नवाज शरीफ साहब भी कहते थे स्वीटर देन हनी हायर देन दिस थिंग फलाना डिप का पता नहीं क्या क्या डायलॉग उन्होंने हमारे नवाज शरीफ ने। सच बात तो ये है ना कि ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती हैं। पाकिस्तानियों को हर समय एक चीज अपने आप से ये पूछनी होगी कि हमने दूसरे मुल्कों को क्या दिया। आप फॉर एग्जांपल चाइना, आप चाइना को क्या दे रहे हैं? जमीन दे रहे हैं ना, जिस जमीन में सीपैक जिस जगह बन रहा है तो जगह तो पाकिस्तान की है, चाइना की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या ये भी बात सच है कि आपके कई स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो कि लैंड के हैं वो चाइना को गिरवी हो चुके हैं? क्या ये भी बात सच है कि आपने बड़े हाई रेट पे आपने पैसे लिए? देखिए ये जो जमीन आप कह रहे हैं ना, हमने जमीन दी, आपने बिल्कुल सही बात बोली अर्जुन जी, आपने जमीन दे नहीं दी है उनको, आपने आप दे चुके हैं उनको। अब आपको अगर ये लगता है कि चाइना वहां से उठ के चला जाएगा कल वो जमीन पे, देखिए मैं बार बार ये कहता हूं और मैंने कई बार ये बात बोली है, जो एक खुदमुख्तारी होती है ना मुल्क की, वो सिर्फ ज्योग्राफिक नहीं होती, इलाकाई खुदमुख्तारी नहीं होती, वो इकोनॉमिक खुदमुख्तारी भी होती है। जब आप कहते हैं कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकता हूं, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की, आपने जमीन दी चाइना को, वही चीज आप श्रीलंका वाली चीज यहां पे कर रहे हैं। श्रीलंका ने भी जमीन दी थी, अब हनुमनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना का हो गया 99 साल के लिए, राइट। एक और एयरपोर्ट है, चाइना ने बोला तुम्हें एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, श्रीलंका ने बोला हाँ। चाइना ने ऐसी जगह एयरपोर्ट बनाया जहां पे मैडम 2014 के बाद 2014 के बाद सिर्फ एक फ्लाइट लैंड करी है उस एयरपोर्ट पे, और बड़ा शानदार चाइना ने बिल्कुल जैसे बनाते हैं ना मॉडर्न एयरपोर्ट, कांची कांच लगाए, जंगल के बीच में एयरपोर्ट बना दिया। अब श्रीलंका पैसे तो दे नहीं पाया क्योंकि फ्लाइट तो वहां पे लैंड नहीं कर रही थी, एक ही फ्लाइट लैंड करी, एक वो सिंगल फ्लाइट लैंड करी, उसके बाद बंद हो गया। 2014 2015 का वाकया है। अब क्या हुआ, अब चाइना ने श्रीलंका से एयरपोर्ट भी ले लिया, अफ्रीका में भी ये कर रहा है, आपके साथ कर चुका है, ये आपके साथ ये कर चुका है, आपका आई थिंक कराची या इस्लामाबाद का एयरपोर्ट गिरवी जा चुका है, आपके कई सारे मोटरवेज हैं जो चाइना ले चुका है। तो आप देखिए चाइना को चाहिए क्या, चाइना को जमीन चाहिए, राइट। चाइना को एक्सपेंशन करना है सीपैक में। लोग कहते हैं कि साहब आपको जलन होती है इंडिया को, सीपैक इतना कोई बड़ा नहीं है, 50-60 बिलियन डॉलर इंडिया जैसे मुल्क के लिए, मैंने बोला ना इससे 1.5 गुना ज्यादा इंडिया में हर साल इन्वेस्टमेंट होती है, जो पूरा सीपैक है जो 15 साल में होगा उससे 1.5 गुना ज्यादा हर साल इंडिया में इन्वेस्टमेंट होती है, और सीपैक तो अब रुक भी गया है। और वो बाजवा साहब भाग गए आपके, आजम सलीम बाजवा साहब वो अमेरिका में बैठे हैं, सर वापस आ जाएंगे, घूमने फिरने गए होंगे। लेकिन एक चीज और है कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आपकी बातचीत हो रही है चाइना के साथ, तो रसीदे लेने गए होंगे, यहाँ बैठ के तो रसीदे मिलेंगे नहीं उनके, आपको पता है ना फ्रेंचाइज की, पिज्जा फ्रेंचाइज की, तो वो इतनी ज्यादा रसीदे आपको पता है कि कोई लेकर नहीं आता कॉरियर। अब मुझे ये बताए ना सर कि लद्दाख को एक तरफ आप कहते हैं, सॉरी चाइना के साथ आप एक तरफ कहते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, मतलब टेबल टॉक शुरू हो गई है, दूसरी तरफ वहां से ये न्यूज आती है चाइना से कि वो आगे बढ़ रहा है लद्दाख में, वो अपनी जमीन जो है वो घिरता जा रहा है, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो चाइना के साथ क्यों है इंडिया की? उसकी चाइना ने, देखिए चाइना के साथ हमारी एक जंग हुई थी, हमारी 1.5 जंग हुई है चाइना के साथ आज तक, 1.5। एक जंग 1962 में हुई थी और एक 1967 में हुई थी, राइट। अब चाइना के साथ हम वो चीज क्यों नहीं करते जो पाकिस्तान के साथ करते हैं, डबल स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है। चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है। पहली चीज, भारत में ये फीलिंग है कि हम पाकिस्तान के बिना रह सकते हैं, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अगर आप 1,000 फुट की दीवार बना दें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान से हवा भी ना चले हमारी तरफ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान से हमें ट्रेड नहीं चाहिए, पाकिस्तान से हमें स्पोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं चाहिए, पाकिस्तान से हमें कल्चरल रिलेशन, हमें पाकिस्तान से कुछ चाहिए नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एज एन इंडियन, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट्स दिस थिंग। दूसरी चीज है, चाइना और इंडिया के साथ तकरीबन 100 बिलियन डॉलर की ट्रेड है जो कि 500 बिलियन की होने वाली है, पहली चीज। दूसरी चीज, चाइना ने दहशतगर्दी कभी भारत के अंदर नहीं फैलाई, ठीक है। ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये चाइनीज नहीं है, पाकिस्तानी है, वो भी पंजाबी है, राइट, दे आर पंजाबी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पंजाबी, माई मिस्टेक, सॉरी।
एंड चाइना ने ये सब नहीं करा। चाइना के साथ जो लैंड की कशीदगी है वो हमारी चल रही है, हम देखते हैं चाइना कितना करेगा। हम ये मानते हैं कि चाइना के साथ हम उसी जबान में बात कर रहे हैं जो चाइना समझ रहा है। हमारी डिप्लोमेसी बहुत बढ़िया काम कर रही है, फौज बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमें पता है कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे चाइना के साथ। चाइना को एक बार हम हल्का सा टाइट कर देंगे, चाइना को भी पता लग जाएगा। देखिए चाइना की सिर्फ एक बात सुनिए, चाइना की प्रॉब्लम सिर्फ भारत के साथ नहीं है, चाइना की प्रॉब्लम 22 मुल्कों के साथ है, जमीन की 22 मुल्कों के साथ, और चाइना का बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ 14 मुल्कों के साथ है। तो एक ऐसा मुल्क, मतलब चाइना की ऐसी लोगों के साथ बॉर्डर की प्रॉब्लम है, लैंड की प्रॉब्लम है, जो दो मुल्क छोड़ के तीसरा मुल्क है ना उसके साथ भी है। अब ये समझ में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है और हम में कशीदगी है जमीन को लेकर, ये मुझे बात समझ में आती है। चाइना कहती है जी व्लादिवोस्टोक जो रशिया में है वो हमारा। तो चाइना इज अ टिपिकल लैंड ग्रैबर, ठीक है, और ठीक है चाइना को हम अलग तरीके से हैंडल कर लेंगे, बट दो चीजों को ना आप कभी एक तरीके से हैंडल नहीं कर सकते आरजू जी। लेकिन चाइना ने 12 लाख को टफ टाइम दिया है, ये बात तो आप इनकार नहीं कर पाएंगे आप लोग कि वो चाइना ने टफ टाइम दिया है, चाइना ने टफ टाइम दिया है इंडिया को। ऐसा नहीं है कि चाइनीज के साथ हैंडल करने में आपको बहुत आसानी रही, उस तरह के एलिगेशन भी आप नहीं लगाते जैसे आप पाकिस्तान पे लगाते हैं, उस तरह से आप ये भी नहीं कहते घुस के मारेंगे, इस तरह की भी कोई बात नहीं करते। लेकिन जी मैं आपको बताता हूँ आरजू जी, बिल्कुल देखिए चीन ने अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं करा जिसमें हम कहें घुस के मारेंगे। जो घुस के मारेंगे वर्ड था ना वो इसलिए बोला था क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म कर रहा है। चाइना ने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करे, आज 26/11 है, चाइना ने 26/11 नहीं करा, चाइनीज ने 1993 के टेररिस्ट अटैक्स नहीं करे, चाइनीज ने पुलवामा नहीं करा, उड़ी नहीं करा, नगरोटा नहीं करा, ठीक है, और कश्मीर नहीं करा, ये खालिस्तान वाला जो पूरा ड्रामा पंजाब में रचा था वो चाइना ने नहीं करा। तो यू सी आप दो लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते। अब जैसे आप हैं, आपके साथ मेरे अगर जिसको कहते हैं कि एक फ्रेंडली रिलेशन है आपके साथ, कोई और हो सकता है उसके साथ नहीं हो, मैं आपसे अदब से बात करूंगा, मैं आपसे तमीज से बात करूंगा, हो सकता है मैं दूसरे से ना बात करूं वैसे। तो यू ट्रीट पीपल डिफरेंटली, आप जिसको कहते हैं कि जिसके जो कर्म होते हैं ना कर्म के हिसाब से उनके साथ ट्रीटमेंट होती है। जिस दिन चाइना ऐसा करेगा उस दिन चाइना को भी बोलेंगे उसके मारेंगे। दूसरी चीज, जहां तक आपने बात करी टफ टाइम, देखिए चाइना लाख झूठ बोले लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि अगर हमारे अगर जवान वीरगति को प्राप्त हुए गलवान में तो 33 चाइनीज भी मरे हैं। हमारा फिगर 30 या 36 बोला है कुछ अमेरिकन इंटेलिजेंस ने, जो उनकी रिपोर्ट आई है CIA की, हम लोग बोल रहे हैं 43, वो लोग थोड़ा सा कम बोल रहे हैं, लेकिन जितने हमारे गए उससे ज्यादा चाइनीज गए। तो अगर आपको लग रहा है कि चाइनीज वहां पे बैठ के चाउमीन खा रहे हैं पार्टी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। और टफ टाइम चाइना को भी है, बट चाइना क्या बोलता नहीं, मैं बता रहा हूँ चाइना में ना मीडिया फ्री नहीं है। देखिए आपको चाइना के बारे में कहां से पता लगता है मीडिया के बारे में? इंडियन मीडिया कशीदगी कर सकता है, इंडियन मीडिया क्वेश्चन कर सकता है, इंडियन मीडिया आर्मी को क्वेश्चन करता है, पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्वेश्चन करता है, डिप्लोमेसी को क्वेश्चन करता है, और वो उसका संवैधानिक हक है, आईन जो है भारत का वो उसको हक देता है। चाइना में नहीं कर सकता, चाइना में आप सवाल पूछिए आपको जेल में डाल देंगे। तो चाइना में कोई सवाल नहीं। चाइना अगर ये बोले कि हम इंडिया के अंदर चले गए 100 किलोमीटर तो कोई उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करने वाला नहीं है कि साहब कहां से शुरू हुआ वो 100 किलोमीटर, कहां पे खत्म होता है, जरा आप दिखाइए, मीडिया ले जाइए वहां पे। वो नहीं कर सकते आप चाइना में नॉट अलाउड है। बिल्कुल, चाइना में तो सोशल मीडिया भी वहां पे नहीं है, वहां पे बंद है, सोशल मीडिया भी बंद है चाइना में। बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल मैं एग्री करूंगी। और इसके साथ मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी मेजर साहब, वो ये कि मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि इसराइल के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं, सऊदी अरब जो है वो भी लग रहा है कि एक्सेप्ट करने जा रहा है, तो क्या चेंज देख रहे हैं आप? और साथ ही इसके साथ एक सवाल और कि साथ ही मतलब मैं उसको भी जोड़ देती हूँ कि अभी रिसेंटली आपने देखा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है उनकी डेथ हुई है, और अचानक से हुई है, कोरोना से हुई है। आपकी मैंने वीडियो भी देखी थी और बहुत से वही सवाल हमारे भी जहन में है कि ये वेंटिलेटर पे भी नहीं गए, 2 दिन पहले धरने में भी बैठे हुए थे। इन दोनों चीजों का मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि क्या चल रहा है? देखिए आरजू जी, ऐसा है कि पहले जो इजराइल